हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या विहार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोशन, जो कि नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग मोशन के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और फिर समझने का कोशिश करेंगे क्या है मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन With respect to their surroundings, in a given period of time, then that object is said to be in motion। अब देखिए, समझते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन कंटिन्यू चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो वैसा ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या बना रहे हैं? ट्रेन बना रहे हैं। यह है हमारा ट्रेन, दो डब्बे वाली ट्रेन है, और ये मेरा इसका इंजन है। ठीक है, ये मेरा इसका व्हील है, और ये मेरा हो गया प्लेटफॉर्म। यहां पर सीट है, ये ड्राइवर है। अब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुल गई, तो प्लेटफॉर्म से खुल गई तो ये कंटिन्यू अपना पोजीशन चेंज करेगी किसके रिस्पेक्ट में? प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। तो ये ट्रेन मोशन में है, ट्रेन तो मोशन में है। ट्रेन क्या चीज में है? मोशन में। अब देखिए, हम लोग इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है, यहां पर कोई आदमी बैठा हुआ है, वो भी तो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, तो वो भी क्या मोशन में है क्या? जी हाँ, वो भी मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में? प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। जबकि अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट का बात किया जाए तो ट्रेन के अंदर तो वो मूव नहीं कर रहा है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये क्या है? रेस्ट में है। वैसे तो देखिए कि यूनिवर्स में जितना भी चीज है वो क्या है? मोशन में है। लेकिन हम बात करते हैं रिस्पेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि अर्थ पर है, हम लोग अर्थ पर हैं, वैसे तो अर्थ रोटेट कर रहा है तो हम लोग मोशन में है, लेकिन बात करेंगे रिस्पेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम सन के रिस्पेक्ट में बात करें, सन के रिस्पेक्ट में बात करें, तो क्या हो रहा है? हमारा पोजीशन कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो सन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है? मोशन में है। लेकिन अगर अर्थ के रिस्पेक्ट का बात किया जाए तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हमारा पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, हम कहीं स्थिर हैं, तो क्या होगा? हम रेस्ट में हैं। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं जब भी मोशन का बात आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं रेस्ट। तो रेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? वैसा ऑब्जेक्ट जो कि अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अब क्या कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया कि हम अर्थ पर हैं, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम अपना पोजीशन अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो हम क्या हैं? रेस्ट में हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं डिस्टेंस। चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले डिस्टेंस समझने के लिए हम पहले डिस्टेंस को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लोग उसका डेफिनेशन लिखेंगे। कोई पॉइंट है ए और कोई पॉइंट है बी। यहां पर है, फिर से हम पहली को ले रहे हैं,
पहेली को जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर, यानी कि पॉइंट बी पे इसका घर है, घर जाना है पहेली को, और पॉइंट ए पर क्या है इसका स्कूल है, यहां से इसको अपने घर की ओर जाना है। तो स्कूल से घर जाने के लिए पहेली के पास कितने रास्ते हैं? पहेली ऐसे भी जा सकती है, पहेली का मन करेगा थोड़ा चलो मार्केट घूम लिया जाए तो इधर आई मार्केट घूम ली उसके बाद भी जा सकती है, उसके बाद पहेली को मन करेगा किसी दोस्त के घर चले जाएं उसके बाद हम जाएं तो दोस्त के घर जाके भी जा सकती है, और पहेली सीधे डायरेक्ट अपने घर भी जा सकती है। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच कितने रास्ते होते हैं? इनफाइनाइट रास्ते होते हैं, कि मतलब कोई फिक्स नहीं है कि जो सा भी पाथ ट्रेवल करे वो, जैसे कि ऐसे घूम के भी जा सकती है, यानी कि कितने रास्ते हैं? इनफाइनाइट रास्ते हैं। यही एक्चुअल पाथ जो है, जो कि पहेली के द्वारा या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया जाता है, यही एक्चुअल पाथ क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। The actual path covered by an object between two location is known as distance। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस का एसआई यूनिट। ऐसा यूनिट डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर होता है। और अभी आप लोगों को पता चला कि कोई फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं है, कि मतलब जिधर मन तिधर से हम जा सकते हैं, मेरा मन जैसे करेगा, तो ये इसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, तो ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, अब बात आता है थोड़ा सा एडवांस हम लोग चलते हैं, कि इसका हमको आगे चलकर 11th में क्या लिखना पड़ता है? डायमेंशन भी लिखना पड़ता है। तो डायमेंशन भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, कि मीटर किसका एसआई यूनिट होता है? मीटर एसआई यूनिट होता है डिस्टेंस का, और डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ए टू बी का लेंथ भी तो बोल सकते हैं, ए टू बी का लेंथ ही तो है डिस्टेंस। तो लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, और उसका डायमेंशन क्या हो जाता है? एल हो जाता है, यानी कि डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा? कैपिटल एल हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ फंडामेंटल यूनिट्स और उसके एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशंस। चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशन, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ फंडामेंटल यूनिट्स लेते हैं फिजिक्स के। अभी वैसे तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, लेकिन हम लोग उतना ही पढ़ेंगे अभी जिसका कि हम लोग को जरूरत होगा। ये हमारा हो गया फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। इधर हम लोग जानेंगे एसआई यूनिट के बारे में, और इधर हम लोग जानेंगे डायमेंशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट होता है हमारा मास। मास, मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, और इसका डायमेंशन होता है कैपिटल एम। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट होता है हमारा टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में, और इसका डायमेंशन होता है कैपिटल टी। नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट होता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस इसको अभी हमने जस्ट बताया कि डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी दो लोकेशन का या दो पॉइंट का लेंथ होता है। तो इसको हम लोग पहले तो एसआई यूनिट तो मीटर हो जाएगा हमारा, और डायमेंशन क्या हो जाएगा? लेंथ, यानी कि कैपिटल एल। नेक्स्ट देखते हैं हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है।
एम्पियर, और इसका डायमेंशन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। और एक देख लेते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट जो कि हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, वो होगा हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन। केल्विन, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में कैपिटल के से। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे, ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर से पहेली को, कहां से? स्कूल से अपने घर की ओर जाना है, यहां पे रही पहेली। इसके पास जाने के कितने रास्ते हैं घर जाने के? ये पॉइंट है ए मेरा, ये है पॉइंट बी। तो इनडेफिनिट रास्ते हैं, कोई फिक्स्ड रास्ता नहीं है। इसका मन जिधर से करे वो उधर से जा सकती है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा ए टू बी के बीच? वो होगा जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ बनाएगा। तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या कहलाता है मेरा? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, और चूंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमको जाना है ए टू बी, तो स्ट्रेट लाइन में जाना होगा और बी जो पॉइंट है उसी डायरेक्शन में जाना होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। और डायरेक्शन फिक्स्ड हो गया तो ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। The actual path covered by the shortest distance हो जाएगा यहां पर, the shortest distance covered by an object between two points, यानी कि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हमारा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब देखिए कुछ मेजर चीजें हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है। सबसे पहला तो अभी आपको पता चला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट तो जो डिस्टेंस का है, क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, एक तरह का तो डिस्टेंस ही है ना, तो ये हो जाएगा एसआई यूनिट मीटर। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे निकालते हैं, या फिर उसके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो देखते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का कुछ एग्जाम्पल लेके सीखने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि पहली यहां पर स्कूल में थी, ये क्या की अपने घर गई, अपने घर से वो वापस क्या की किसी दोस्त के घर गई, किसी फ्रेंड के घर गई, किसी फ्रेंड के घर गई, फिर से वापस वो क्या की स्कूल ही आ गई, वापस ही वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गई। तो देखिए मेरा यहां पर इनिशियल पोजीशन क्या था? पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है। इनिशियल पोजीशन क्या था मेरा? पॉइंट ए। और फाइनल पोजीशन मेरा क्या है? वापस से पहली कहां आ गई है? पॉइंट ए पर ही आ गई है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है। यानी कि यहां से आप लोगों को पता चला कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, मे बी जीरो, लेकिन क्या डिस्टेंस कभी जीरो होगा क्या? ये एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया गया है ये हमारा, ये कभी जीरो होगा क्या? ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, यानी कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और यदि पहेली क्या होती, स्कूल से भी इधर की ओर आ जाती,
तो क्या होता मेरा डिस्प्लेसमेंट अपने इनिशियल पोजीशन से भी हम पहले चले जाते, तो ये क्या हो जाता निगेटिव हो जाता, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट मे बी निगेटिव। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके डिफरेंस के बीच। डिस्टेंस ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, द एक्चुअल पाथ कवर्ड by an object is called distance। और ये क्या हो जाएगा the shortest distance between two points is called displacement। अब दूसरा डिफरेंस हम लोग देखते हैं, ये कैसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहां दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरा डिफरेंस अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि इट कांट बी निगेटिव, ये डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। और ये क्या हो जाएगा, इट मे बी निगेटिव और जीरो, इट कांट बी निगेटिव और जीरो भी, ये जीरो भी नहीं हो सकता है क्योंकि अगर हम कुछ भी चल लिए तो वो डिस्टेंस मेरा चल लेंगे हम लोग। उम्मीद है कि डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा और भी पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।